भुवन चौहान जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो इस साल उनकी जो प्लेसिंग आई वो इतनी खास नहीं आई, तो उसके ऊपर आप कुछ नहीं भुवन ने जितना पोस्ट भी किया था कि भुवन ने जितना भी किया है मुझे लगता है कि ही डिड वन ऑफ द बेस्ट, ही ब्रॉट वन ऑफ द बेस्ट पैकेज टिल नाउ. प्रैक्टिकल नहीं है बट एटलीस्ट जो होता है, मतलब अगर आप थर्ड कॉल आउट में भी आ रहे हो फर्स्ट ओलंपिया डेब्यू में. दोस्तों अभी आपने दो छोटी छोटी क्लिप देखी, एक में मनोज पाटिल भाई है और दूसरी में अपने सिद्धांत जायसवाल भाई है. दोस्तों दोनों अभी जो भुवन चौहान भाई की ओलंपिया में प्लेसिंग आई थी उसके ऊपर उन्होंने कुछ कुछ बोला है, तो वो पूरी क्लिप आपको दिखाऊंगा. उससे पहले दोस्तों आपको ये बता देता हूं कि ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन लोगों के लिए जब किसी एथलीट की प्लेसिंग किसी कॉम्पिटिशन में अच्छी नहीं आती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं अपने रूम में अंगीठी जला के रजाई में बैठे होते हैं और वहां से कमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि इसके बस की तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस बेइज्जती करवाता रहता है, इसका कभी कुछ नहीं हो सकता. मेरे भाई स्पेशली बात कर रहा हूं भुवन चौहान भाई की. भुवन चौहान भाई एक लौते ऐसे आदमी थे जिन्होंने इतनी ऊपर जाके उस स्टेज पे, इतने बड़े स्टेज पे जाके, ओलंपिया पे स्टेज पे जाके इंडिया का झंडा लहराया था. तो पहले ये देख लो वो किस स्टेज पे गए हुए हैं, और उसके बाद जब उनकी प्लेसिंग थोड़ी सी डाउन आ जाती है तो लोग रजाई में बैठ के मूंगफली खाते हुए ये बोल रहे हैं कि यार इसने तो बेइज्जती करवा दी, इंडिया का नाम नीचे करवा दिया, इससे अच्छा तो जाता ही नहीं, इससे अच्छा तो मैं कर लेता, ये सिर्फ सोशल मीडिया पे भोगता रहता है. अरे भाई तुम हो कौन, तुम कौन हो तुम जो फ्री की मूंगफलियां खा रहे हो, हैप्पी विंटर मना रहे हो, रजाई में बैठे हो, रजाई से बाहर निकले नहीं हो, टट्टी करके वापस रजाई में घुस जाते हो. तुम्हारे समझ में ये बात आएगी भी नहीं. मेरी बात उसी आदमी के समझ में आएगी जिसने लाइफ में स्ट्रगल किया है, संघर्ष किया है कुछ अचीव करने के लिए. तो वो जर्नी देखो यार, वो कहां से कहां किस स्टेज पे पहुंचा है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखो, उसने कहां स्टार्ट किया था और वो इतने बड़े स्टेज पे, इकलौता आदमी इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला, 1.7 बिलियन पीपल्स में से अकेला आदमी है जिसने इंडिया का झंडा वहां पे लहराया है. तो किसी एथलीट को अगर मोटिवेट नहीं कर सकते तो डिमोटिवेट भी क्यों कर रहे हो. कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा तो कम से कम मत बोलो, अपने गंदे विचार अपने अंदर ही रख लो. भाई मेरे, जब उस बंदे का आप पॉजिटिव ये चीज नहीं देख पा रहे हो कि उस बंदे ने इतनी भीड़ से निकल के इकलौता आदमी था जो वहां तक पहुंचा, प्लेसिंग तो बहुत बाद की बात है, अभी बहुत टाइम बचा, प्लेसिंग भी इंप्रूव हो जाएगी. तो मेरे भाई जो ये हैप्पी विंटर वाले लोग हैं उनके लिए बस एक छोटा सा मैसेज है कि इस चीज को समझना. ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि बहुत लोगों ने, मैंने देखा जब वीडियो डाली कमेंट किया, इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये कर दिया वो कर दिया. पहले खुद कुछ करो मेरे भाई, ठीक है, फ्री की मूंगफली खाने से कुछ नहीं होगा. तो शायद ये मैसेज आप समझ के किसी एथलीट को डिसरेस्पेक्ट करना तो छोड़ दो, उसकी जर्नी, उसके संघर्ष, उसके स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करो कम से कम. प्लेसिंग और अचीवमेंट और मेडल टाइटल बहुत बाद की बात होती है, पहले उसकी जर्नी देखो, कम से कम उस जर्नी की रिस्पेक्ट कर लिया करो, उस जर्नी के हिसाब से उसको मोटिवेट कर दिया करो, कुछ अच्छा बोल दिया करो. अब दोस्तों आपको दिखा देता हूं अपने मनोज पाटिल भाई और सिद्धांत जायसवाल भाई ने क्या बोला है. और दोस्तों ये दोनों अच्छे एथलीट है, ये दोनों जरूर समझ सकते हैं कि भुवन चौहान की प्लेसिंग क्यों आई, कैसे आई, सबको पता है. तो ये कभी भी एथलीट एक एथलीट के बारे में कभी गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि इन दोनों को पता है कि उस स्टेज तक जाने के लिए अभी कितना जोर लगेगा, कितना स्ट्रगल, कितनी जर्नी बाकी है. तो सच्चाई इन दोनों के मुंह से अभी आपको सुनवाऊंगा कि उस स्टेज पे जाके कोई भी प्लेसिंग आए तो फीलिंग क्या होती है, और उस स्टेज पे जाना इन दोनों का भी ड्रीम है और बहुत सारे इंडियन एथलीट हैं उनका भी ड्रीम है. तो दोस्तों जो उस स्टेज पे जा चुका है उसकी प्लेसिंग भले ही डाउन आई हो तो वो गलत कहां से हो सकता है, वो इज्जत मिट्टी में कैसे मिलवा सकता है. तो एक एथलीट ही इस चीज को समझ सकता है कि वहां तक जाने में कितना स्ट्रगल रहेगा. और नॉट ओनली वो स्टेज, कोई छोटे स्टेज भी होते हैं, मिस्टर इंडिया तो बहुत बड़ा स्टेज हो गया, छोटे भी लोकल कंपटीशन भी होते हैं. तो उस एथलीट की जर्नी भी दोस्तों, वो अपनी बॉडी को गेन करता है, कटिंग करता है, बहुत सारी चीजें करता है, तो उसमें भी उसकी जर्नी बहुत स्ट्रगल होता है और वो भी रिस्पेक्ट का हकदार होता है. तो एथलीट्स को डिसरिस्पेक्ट मत किया करो. मेरे जो भी हैप्पी विंटर वाले भाई हैं रजाई में बैठे हुए हैं उनसे रिस्पेक्ट हाथ जोड़ के एथलीट्स की रिस्पेक्ट किया करो भाई, जर्नी की रिस्पेक्ट किया करो. खुद कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों को मोटिवेट कर दिया करो, ठीक है. अब आपको दोनों वीडियो दिखा देता हूं अपने मनोज पाटिल सिद्धांत जायसवाल भाई की. चैनल अगर बढ़िया लग रहा है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना. जय हिंद जय भारत. तो ऊपर आपका क्या कहना है? मेरा कहना, मैं कहने वाला कोई नहीं होता कि मैं क्या कहूँ, बिकॉज ही इज अ वेरी सीनियर टू मी. ही इज अ ग्रेट गाय, इज अ ग्रेट आईबीयू प्रो, और मुझे लगता है कि ही इज वर्किंग रियली हार्ड टुवर्ड हिज ड्रीम. एंड मुझे लगता है कि मैंने पूरा चैंपियनशिप देखा लाइव, और मैं खुद बताऊंगा कि बहुत ही अच्छा डिसीजन था जजेस का, बिकॉज इरन बैंक्स का बैक वॉज ही वॉज अमेजिंग. एंड मुझे लगता है उनको चैंपियन बनना था आज, नहीं तो कल तो बनना ही था उनको चैंपियन, बट उनका दिन था आज और आज का चैंपियन बने हैं. और ब्रैंडन के बारे में बताऊंगा तो ब्रैंडन इज ऑल्सो नॉट दैट बैड कि उनको सेकेंड प्लेस मिला है, इज अ
थ्री टाइम ओलंपिया, और मुझे लगता है कि 19-20 के फर्क से जो चीज़ें हो जाती है मेंस फिजिक और बॉडी बिल्डिंग में, एक चीज़ होती है कि 19-20 का फर्क होता है जो चैंपियन बनाता है, और वो दिन जो था वो ए बैंक का था, इसलिए ए बैंक इज अ विनर। तो सर भुवन चौहान जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए थे, तो इस साल उनकी जो प्लेसिंग है वो इतनी खास नहीं है, तो उसके ऊपर आप कुछ? नहीं भुवन ने जितना भी किया है मुझे लगता है कि ही डिड वन ऑफ द बेस्ट, ही ब्रॉट वन ऑफ द बेस्ट पैकेज टिल नाउ। एंड मुझे लगता है कि एक जो बंदा होता है, जो एथलीट होता है, जो कंटिन्यूस हार्ड वर्क करता है, वही स्टेज पे कंटिन्यू कम्पीट करता है, वही चैंपियन कराता है। एंड मुझे लगता है कि भुवन चैंपियन फॉर मी। थैंक यू सर, आप भी हमारे लिए चैंपियन हो। थैंक यू सर, थैंक यू, सी यू सून इन ओलंपिक स्टेज इन 2023। चीयर्स, थैंक यू। प्रैक्टिकल नहीं है, बट एटलीस्ट जो होता है, मतलब अगर आप थर्ड कॉल आउट में भी आ रहे हो, फर्स्ट ओलंपिया डेब्यू में, थर्ड कॉल आउट में या फोर्थ कॉल आउट में, इवन फिफ्थ कॉल आउट में, वो भी एक अचीवमेंट है। क्योंकि फिफ्थ कॉल आउट में भी जैसे भुवन भाई आए, तो 69 एथलीट थे, 69 ओलंपियन थे, तो उसमें उनका 40 या कुछ रैंक आया, तो ऑलरेडी उन्होंने 29 या 30 ओलंपियन को बीट किया, तो वो भी एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब अभी वो लोग सीधे फर्स्ट से कंपेयर कर रहे हैं, वो अलग बात है, बट स्टिल उन्होंने मतलब जितने भी थे सब ओलंपियन को ही बीट किया ना। तो मतलब दोनों साइड देखना चाहिए, तो मेरे लिए तो मतलब ये है कि मतलब उतना भी कर पाना वो बहुत बड़ी बात है। और एक तरीके से अगर भुवन भाई मतलब नहीं जाते 3 बार से, तो फिर इंडिया का नाम नहीं आता, एटलीस्ट कोई तो है लिस्ट में दिखता है, बहुत प्राउड फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हाँ चलो। Oh, absolutely, bro. Absolutely. Absolutely. Yeah. I mean, he represented India, but also strategy, you know, jab